चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ठीक है। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद कि लॉ पास करने का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। आपल्याला आहुजाचे माइक चेंज करावे लागेल सगळे, कारण आहुजाचे रिसीवर खूप वाई आत आहेत सगळे। हां, स्टुडिओ मास्टर लावावं लागेल। एकदा सरांशी बोला ना, मी वरतीही सांगितलं इथेही सांगितलं, ठीक आहे। मी बोलतो आज विशाल सरांशी। ओके, सो कल हमने स्टार्ट किया था विद द कि बेसिकली लॉ मतलब क्या होता है, फिर लॉ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद फैक्टर्स डिसाइडिंग लॉ। कितने फैक्टर्स होते हैं लॉ डिसाइड करने के? चार। पहला सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा एथिक्स। कौन से दो अज्यूम्ड होते हैं? एथिक्स एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और सेफ्टी और बेनिफिट ये लिखा हुआ होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसमें से इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, सेफ्टी या बेनिफिट? जोर से बोलो, सेफ्टी। सेफ्टी नहीं रहा तो लॉ ही नहीं बन सकता। बेनिफिट नहीं रहा तो लॉ बन सकता है, बट सेफ्टी नहीं रहा तो लॉ बन सकता है क्या? नहीं। फिर हम आगे गए थे, हमने देखा था लॉ पास करने का प्रोसेस। फिर उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कैटेगरीज ऑफ लॉ। कितने कैटेगरीज के लॉ है? तीन। कौन कौन से? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यूनियन लॉ का एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, एनी एग्जाम्पल ऑफ स्टेट लॉ? गुटखा बंद, दारू बंद, नशा, सिगरेट मुक्ति, ये सब ना। उसके बाद में कॉन्करेंट लॉ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हाँ है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ईयर कौन सा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का? 2007। नया नया नवेला कोरा कर करी गरम गरम लॉ है, ये सर ना। ये होने के बाद में अगली चीज हमने देखा था, लॉ पास करने की प्रोसेस कितनी है? दो, एक सेंट्रल और दूसरी कौन सी? स्टेट। सेंट्रल प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग। उसके बाद में मस्त वाह 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 गजनी लोगो वाह। घर पे जाके पढ़े? नहीं, घर जाके सर बैग लिए डिशिम, ये कल सीधा सवेरे क्लास में लेके जाएंगे। हैं, घर जाके बैग थोड़ी खोलते, पागल है हम? अभी तो एग्जाम में कितना समय बाकी है, दिन गिनवा दू कितने समय बाकी है? गिने आपने कितने? 105 दिन बाकी है। कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। वैसे दिखाने के लिए 4 है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं, ये सुन लो। तो 6 सब्जेक्ट है और दिन कितने? 104। और ये पूरे 104 दिन के अंदर तुम 10 घंटा कम से कम पढ़ने वाले हो। इसमें कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई इसके घर पे शादी नहीं होगी, बराबर है ना? तुम पूरा 104 दिन कंसिस्टेंट पढ़ने वाले हो ना, कोई बीमार नहीं होगा, कोई शादी नहीं होगी, कोई ब्रेक नहीं लेगा, किसी को कंटाला नहीं आएगा पढ़ाई करने का, है ना, कोई बोर नहीं होगा, एकदम 104 दिन पूरे 10 घंटे। सर हम कम से कम 1040 घंटे पढ़ने वाले हैं, राइट? नहीं, क्या हो गया? हाँ तो बोलो। सर हम कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, बोलो कसम खाओ, मैं हम आज से कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। मच्छर काटा तो हम उसको वापस काटेंगे पर बीमार नहीं पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। निकम्मो पढ़ना शुरू करो अभी, ठीक है। ये अभी हो गया, 90 दिन बाकी रह जाएंगे। जब 50 दिन आते हैं तब थोड़ी सी नींद खुलती है, और तुम फाउंडेशन पे हो, यही अगर गलती से कुछ अटेम अटेम लग गया तो इंटर पे क्या करोगे और फिर फाइनल पे क्या करोगे? ऐसा बोला जाता है, फाउंडेशन इज ओनली 1%, इंटर इज 10% एंड फाइनल इज 100%। समझ में आ रहा है? यही अगर कुछ हो गया तो आगे तो बेटा शिट्टी पिट्टी गुल। तो घर जाके तुम ये जो बैग घुमा के फेंकते हो ना, उसको थोड़ा खोल लिया करो, गलती से एखादी बुक खोल लिया करो, थोड़े से हवा आई, पन्ने पलट गए, गलती से एखादा कंसेप्ट याद हो गया, ऐसी चीजें कर लिया करो, ठीक है। एटलीस्ट जितना पढ़ा रहा हूं वो घर पे डेली भी रिवाइज करो ना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। खाओ कसम, मैं अटेम्प्ट की कसम खाता हूं। देखो अटेम्प्ट की खा रहे हो तुम, याद रखना, मैं अटेम्प्ट की कसम खाता हूं कि मैं हर रोज घर जाके रिवाइज करूंगा। कोई बोल ही नहीं रहा, दो तीन लोग है बीच में, अटेम्प्ट बोला बीच में चुप हो गए, नहीं तो बोलो मैं उसकी कसम खाता हूं, है। चलो लेट्स गो, घर जाके रिवाइज करना जरूरी है। फिर प्रोसेस टू पास द लॉ, जिसके अंदर पहला क्या था? ड्राफ्टिंग, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रीडिंग, कमेंट्स और स्टैंडिंग कमिटी। आइडिया क्लियर है? फिर वापस से पासिंग इन द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अप्रूवल, और फिर उसके बाद में बन जाएगा लॉ। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इस प्रोसेस को हमने कल अच्छे से समझा था, आज हम जाने वाले हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। काय के ऊपर?
सिलेबस, क्या सिलेबस है अपना लॉ का? कितने मार्क के लिए लॉ? 60 मार्क के लिए है सच्ची। और 60 मार्क के लिए कितने लॉ दिए उन्होंने? लगाओ बोली लगाओ बोली, कितने लॉ दिए उन्होंने? 5 फाइनल कंफर्म, 5-1, 5-2, 5-3, ठीक है। सबसे पहले लॉ का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर 1872। जोर से बोलो सर। दूसरा लॉ सर ऐसा ही है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट ईयर 1930। इसको हम प्यार से कहते हैं सोजा, हा ना? नहीं वो नहीं बोला तो भी सो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको हम प्यार से कहते हैं सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। थर्ड वाला कौन सा है? पार्ट नर शिप एक्ट 1932, ये सुनो। चौथा वाला लिमिटेड लाई बिल्ली, क्या है स्पेलिंग? हाँ, लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ईयर कौन सा है? 2008। और उसके बाद में द कंपनीज एक्ट 2013। इतने लॉज आपको अप्लीकेबल है। इसमें से कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर मैं आपको थोड़ा ठीक से बोलू तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको दो पार्ट में डिवाइड करके दिया है बच्चों। पहला पार्ट है नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा पार्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार उसे? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको सीए फाउंडेशन पे है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सीए इंटरमीडिएट पे है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। सोजा पूरा का पूरा यही है, पार्टनरशिप पूरा का पूरा यही है, उसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नियरली पूरा का पूरा यही है, कंपनीज एक्ट ये फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। कंपनीज एक्ट का वेरी बेसिक ये आपको है फाउंडेशन पे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 148 ये है आपको सीए इंटर लेवल पे, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 149 से सेक्शन 470 ये है आपको सीए फाइनल लेवल पे। तो ये जो कंपनीज एक्ट वाला लॉ है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला लॉ है। अगर आपके फाउंडेशन पे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखेंगे तो इंटर पे आपको तकलीफ नहीं जाएगी, इंटर पे तकलीफ नहीं जाएगी तो फाइनल पे भी नहीं जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? इसलिए ये लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे सभी लॉज के नाम बोलो। पहला कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर कौन सा है? 1872। दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ईयर कौन सा? 1930। तीसरा पार्टनरशिप एक्ट, दो मिनट रुको, पार्टनरशिप एक्ट ईयर कौन सा? 1932। नेक्स्ट वाला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ईयर कौन सा? 2008। और फिर कंपनीज एक्ट 2013। आइडिया क्लियर है? 5 लॉज 60 मार्क के लिए। 5 लॉज कितने मार्क के लिए? 60। मतलब आप टेंटेटिवली समझ जा सकते हो कि हर लॉ का वेटेज 12 मार्क का है। आइडिया क्लियर है? तो कोई भी लॉ हम ऑप्शन में छोड़े ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो सीधा 12 मार्क गए। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना, मैं चाहूंगा इसको पहले लिख कर रखो। आ जाओ बड़ा अंदर।
डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। चल ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। आज से जो हम लॉ शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर कौन सा है? 1872। सर, दोर से बोलो सर। सर हमारा इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, डाउट है किसी को? तो हाँ बोलो। सो हमारा इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, वो भी 15 अगस्त को, बराबर है? क्योंकि 15 अगस्त को आजादी मिली थी हमको, और हम 26 जनवरी भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन छुट्टी मिलती है और चॉकलेट भी मिलते थे। हम क्यों मनाते हैं 26 जनवरी? उस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। मेरे को बहुत जोर से डाउट आया है, पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? इतने जोर से डाउट आया, जोर से कम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना 1950 में 26 जनवरी को, बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट का ईयर कौन सा है? 1837। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 1930 और पार्टनरशिप 1932। कौन बना के गया? हम तो आजाद भैया 1947 में हुए, नहीं तो बना के कौन गया? अंग्रेज बना के गए? सच्ची बोलो हाँ है ना। भले ही अंग्रेजों ने अपने ऊपर कितना भी अत्याचार किया हो, लेकिन वो कुछ चीजें अपने को अच्छी देके गए, जैसे इंडिया का लॉ सिस्टम या अंग्रेज हमको देके गए हैं। आज के डेट में हम जो भी लॉ बनाते हैं, नियरली 1990s तक हम जो भी लॉ बनाते थे वो सब अंग्रेजों के जमाने के लॉज के कॉपी होते थे। यहां तक कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2006 जो ब्रिटिशर्स का है। क्लियर है कंसेप्ट? सो पहले तीन लॉज हमको अंग्रेज बना के देखे गए थे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। बचे हुए दो हमने खुद ने बना लिया, हम सीख गए कि नहीं भाई वो बना सकते तो अपन भी बना सकते हैं, नहीं कुछ तो कॉपी तो जरूर कर ही सकते हैं, वैसे भी कॉपी करने में अपन एक्सपर्ट है ना। हाँ है ना, बोलो ये सर नो। 10वीं 12वीं तक की होगी ना? नहीं की? सामने वाले को कुछ पूछा होगा, पीछे वाले को कुछ पूछा होगा? कभी नहीं पूछा? पक्का? साइड वाले को, आजू बाजू वाले को कभी कुछ? तुम हिमालय क्यों नहीं चले गए? हैं? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ कॉपी किया है आज तक के, मैक्सिमम चीजें जितनी हो सकती है उतनी। तो मेन जो कुछ चीजें वो हमको देखे गए, पहले तो लॉ बनाने का सिस्टम, दूसरा इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये काफी जरूरी था, और कई सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के डेट में भी आप कुछ ऐसी बिल्डिंगें देख सकते हो जो अंग्रेजों के जमाने की बनाई गई है और अभी तक के उसको कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई जाओ तो मैक्सिमम मुंबई के रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए हुए, मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसेज अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए हुए। तो ये तीन चीजें अंग्रेज हमको बहुत अच्छे से देखे गए, इंडियन लॉ सिस्टम, इंडियन पोस्ट ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री की नींव रखी गई। लेकिन हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन वो नहीं है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में आया, चलो ये माना कि अंग्रेज हमको लॉ देके गए 1872 में, 1930 में और 1932 में, चलो मान लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम 150 सालों से कंप्लाई कर रहे हैं। आप सोचो 1872, वी आर इन 2020, नियरली 150 साल होते आए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। 150 सालों से एक लॉ फॉलो किए जा रहे हैं, चलो अंग्रेज देखे गए कोई बात नहीं। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? सीए, फाउंडेशन सीए। आपको पता है सीए के लिए भी एक एक्ट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, जिसका ईयर है 1949। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुमको टाइमलाइन के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं, हो सके तो तुम अच्छे से समझने की कोशिश करना। इंडियन लॉ सिस्टम आप बोल सकते हो बेटा, टाइमलाइन, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। क्या हुआ? हंसो मत निकम्मो। ठीक है, सो नियरली हम बोल सकते हैं 1875 से, 75 नहीं, 1866 से, माय मिस्टेक, अपन
माय मिस्टेक, 1775 से ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए, उन्होंने राज करना नियरली शुरू कर दिया हमारे ऊपर 1800 सेंचुरी के आसपास, ठीक है। तब तो वो ट्रेडर करके आए थे, आपने सुना होगा, व्यापारी करके आए थे, राज करके चले गए। इंडिया पहले सोने की चिड़िया था, बाद में सिर्फ चिड़िया बची। अरे बोलो हाँ या ना। सो 1800 सेंचुरी में दे स्टार्टेड डिक्टेटरशिप, दे स्टार्टेड रूलिंग अस। फिर हमने हमारा एक बहुत बड़ा उठाव किया था 1857 में, 1857 का उठाव, झांसी की रानी, टीपू सुल्तान, बोले ये सर ना। सो दैट वॉज अवर फर्स्ट फ्रीडम वॉर, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ ला गया। फिर उसके बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, बोलो हाँ है ना, आजादी, 1 day, भारत माता की, इनकलाब। और फिर इसके बाद में 1947 से लेकर 1950s तक हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं था। 1950s में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, आजादी तो 47 में मिल गई, 50 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। 50 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, हम आगे बढ़ते गए, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है, एक पीरियड ये वाला, दूसरा पीरियड ये वाला, और तीसरा पीरियड जो चल रहा है, समझ में आ रहा है। अभी हम 2020 पे है ना, सब पहुंच गए 2020 में, कोई 2019 में तो नहीं है, अरे बोलो हाँ है ना। सो 2020 में हम फिलहाल। अब मेरा सवाल ये है, चलो ये तो मैं समझ सकता हूं बहुत अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से, कि ये जिधर के लॉ हमको देखे गए, ये ब्रिटिशर्स देखे गए, ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए लॉ बनाए इस एरा में। इन लॉज का हम एग्जांपल अगर बोले इन लॉज का, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोजा वाला एक्ट, पार्टनरशिप वाला एक्ट, ये एग्जांपल है इसके, कि भाई अंग्रेज हमको बना के देखे गए। चलो ये वाले एरा के भी लॉ में को समझ में आते हैं, ग्रीन वाले लॉज जो हमने खुद ने बनाए, जैसे हम बोले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। फिर अगर हम बोले कंपनीज एक्ट, फिर हम बोले LLP एक्ट, चलो ये हमने बनाए। व्हाट अबाउट दिस वन, ये वाला जो एरा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं है, तो लॉ किसने बनाया? क्योंकि कल के इस डायग्राम के हिसाब से तो फिक्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कितने टाइप के लॉ बनते हैं, और आर्टिकल नंबर 245 पार्लियामेंट को पावर देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो पार्लियामेंट को पावर दिया किसने? ठीक है, तो आर्टिकल 245 ही नहीं है, तो पार्लियामेंट को पावर किसने दिया? सर उस वक्त लॉ ही नहीं बने, है बने हुए लॉज उस वक्त। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 उस बार का है। आपको पता है सीएडे सुना है? कौन सा होता है सीएडे? 1 जुलाई। 1 जुलाई सीएडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई को यह एक्ट इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था 1949 से, दैट्स वाई हम उसको सीएडे बनाते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल पिलर वाला एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसका ईयर भी 1949 है बच्चों, मतलब ये समय में लॉ बने हुए हैं। तो सवाल है कि भैया इस समय में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो आर्टिकल्स ही नहीं है, आर्टिकल ही नहीं है तो आर्टिकल नंबर 245 भी नहीं है, आर्टिकल 245 नहीं है तो पार्लियामेंट को पावर नहीं है, मतलब पार्लियामेंट ही नहीं है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट कैसे आएगी, तो पार्लियामेंट भी नहीं है, तो लॉ बनाया किसने? सोचो, जवाब दो, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, तुम जो कोर्स कर रहे हो उसकी लीगेलिटी खतरे में है, सीए एक्ट अगर इनवैलिड है तो कोर्स गया, मैं तो सीए बन गया,
मेरा तो कितना कटेगा? समझ में आ रहा है? तुम्हारा कितना कटेगा सोचो। सो टेल मी, किसने बनाया? ये इतनी डीप चीजें है ना, आपको कोई नहीं बोलेगा। आप बाहर जाके किसी को भी पूछ लेना, फाउंडेशन का बच्चा हो, फाइनल का बच्चा हो, दे वोंट बी एबल टू आंसर। लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इंडिया के लॉ सिस्टम, लॉ पढ़ रहे हैं ना तो इज्जत से पढ़ना पूरा का पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो बोलो किसने बनाया? क्या हुआ? कोई तुम्हारी गलती नहीं है, फाइनल के बच्चे भी आंसर नहीं दे पाते, ठीक है? लेकिन क्योंकि उनको कभी फाउंडेशन पे किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है? 1947 में जब इंडिपेंडेंस हमको मिला तो ब्रिटिशर्स हमारे लिए एक काम करके गए थे। उन्होंने बनाया था प्रोविजनल असेंबली। कौन सा असेंबली? प्रोविजनल असेंबली। व्हाट इज प्रोविजनल असेंबली? इसे हम प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। प्रोविजनल क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो ब्रिटिशर्स ने पहला कंसेप्ट हमको दिया था प्रोविजनल असेंबली, जिसके अंदर इस असेंबली में हमने हमारे इंडिया के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी उस वक्त थे, गांधी जी बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलो, लाल बहादुर शास्त्री बोलो, जितने भी फ्रीडम फाइटर उस वक्त जिंदा थे, उन सब फ्रीडम फाइटर्स को बुलाया और हमने उनको प्रोविजनल असेंबली में बिठा दिया और उनको बोल दिया तुम टेम्पररी पार्लियामेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। वैसे भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनको कुछ काम तो बाकी नहीं रह गया था। अरे बोलो ना। हाँ है ना? इंडिपेंडेंस मिलकर उनका मेन काम ही इंडिपेंडेंस ला था, तो हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो हमने उनको प्रोविजनल असेंबली में बिठाया और हमने बोला कि इंडिया को चलाने के लिए टेम्पररी लेवल पे जितने भी लॉज लगते हैं आप बैठ के बनाओ। और तब जाके उन्होंने, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी प्रोविजनल असेंबली ने पास किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आपका आईसीआई वाला एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये किसने पास किया है? प्रोविजनल असेंबली, फ्रीडम फाइटर्स ने। मतलब ये बहुत फक्र की बात है कि तुम सीए बनोगे तो तुमको सीए बनने का राइट सीधा सीधा आता है फ्रीडम फाइटर्स से। भले ही वो जिंदा नहीं होंगे बट उन्होंने आपको सीधा राइट दिया है कि आप इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और इंडिया के तमाम बैलेंस शीट पीएनएल आप ऑडिट कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऐसे खुद को ऐसे फक्र महसूस होना चाहिए। आइडिया क्लियर है? अरे बोलो ना। हाँ है ना? जाने दो सर, इतना पढ़ना है हमको जिंदगी में है। अच्छा, इंस्टीट्यूट का वो लोगो देखा है? लोगो कबूतर नहीं है वो? सब पब्लिक है। सो ईगल है वो? हाँ है ना? किसने बनाया वो लोगो? फ्रीडम फाइटर्स नहीं, अब सब फ्रीडम फाइटर है। कोर्स भी किसने ड्राफ्ट किया? फ्रीडम फाइटर्स है। बराबर है ना एकदम? बोलो निकम्मो। अरबिंदो सुना है? अरबिंदो पांडिचेरी गए हो? अरबिंदो करके एक बहुत बड़ा लेखक था और लोगो डिजाइनर, उसके नाम पे दुनिया के नियरली 400 इंस्टीट्यूशंस के लोगो है जो उन्होंने बनाए। 400 प्लस इंस्टीट्यूशन के लोगो जो उन्होंने बनाए। He has created a logo for Institute of Chartered Accountants of India, Arbindo. He is a eagle, but आप normally ऐसा वाला eagle हमेशा देखोगे, that is जिसके पंख open है। Open है मतलब we are always vigilant, हम always awake होते हैं। वो नीचे एक line लिखा रहता है ना logo पे, Institute के मॉड्यूल पे, यह एषः सुप्तरिषु जागर्ति। मेरे मॉड्यूल पे नहीं निकम्मे, Institute के मॉड्यूल पे, यह एषः सुप्तरिषु जागर्ति। मतलब पूरी दुनिया जब सोती है फिर भी हम जागते रहते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हालांकि क्लास में इसका उल्टा होता है, यह जागृति एषः सुप्तरिषु। मतलब पूरी दुनिया जाग रही है, हम क्लास में सोते हैं। बोले सर ना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री है। हम लॉ पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जिस कोर्स का लॉ पढ़ रहे हैं उसकी वैलिडिटी क्या है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। टाइमलाइन अच्छे से ड्रॉ करना, हर चीज अच्छे से कोट करना।
बोलो यस नो। आगे बढ़े बच्चों। सो यहां पे हमारा हिस्ट्री हो गया कि बेसिकली किस तरीके से हमारे लॉज बने हैं। कंसेप्ट समझ में आया? चल आज हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि अपन सीधा डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ में कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट सर उसमें क्या? एग्रीमेंट। बराबर है। कौन सा एग्रीमेंट? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ नहीं? फिर कल मैंने तुम्हारे साथ ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट किया, चरस कोकेन अफीम गांजा बाबा जी की बूटी ला 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 ला, बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कल तुमने मेरे को सुपारी दी या मैंने तुमको सुपारी दी? मैंने उसको सुपारी दी, नाम बोलो। निखिल को सुपारी दी सागर को मारने की, बिकॉज निखिल इज अ सुपारी मैन। सो नाउ टेल मी, निखिल को अगर मैंने सागर को मारने की सुपारी दी तो कॉन्ट्रैक्ट है? बॉन्ड पेपर लाया मैंने 500 रुपए का, उसके ऊपर लिखा आई दर्शन खरे गिव्स अ सुपारी टू निखिल द सुपारी मैन टू किल द सागर फॉर रुपीज 5 लाख फुल स्टॉप, साइंड निखिल साइंड दर्शन खरे, रजिस्टर करवा लिया गवर्नमेंट के पास में, कॉन्ट्रैक्ट नहीं? क्यों नहीं? इलीगल है तो इलीगल चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती? क्या बात कर रहे? सच में? सच्ची ऐसा? अच्छा अगर मैंने महाराष्ट्र में गुटखा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं निखिल से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 5 किलो माणिक चंद और जिंदगी झंड ये बेचूंगा सागर को, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन ले लिया, तो लीगल है इलीगल है? महाराष्ट्र में लीगल है इलीगल है? यही कॉन्ट्रैक्ट मैंने गुजरात में किया तो लीगल है? गुजरात में मैंने दारू का कॉन्ट्रैक्ट किया तो? चलो चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा सा आगे भाग गए, मैं थोड़ा सा पीछे खींचूंगा पहले, फिर भी मैं पूछूंगा एक ही सवाल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एनीवन? जो लीगल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो मैंने बोला, अभी थोड़ा पीछे आओ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एग्रीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया आई लव यू, हीरोइन ने कान के नीचे बजाई, क्या एग्रीमेंट है? है ना, कान के नीचे बजाने का एग्रीमेंट है? नहीं? फिर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट? पक्का बोलो हाँ है ना? तुम गए मेडिकल शॉप में, तुमने बोला मेरे को कफ सिरप चाहिए, उसने बोला हाँ, उसने तुमको कफ सिरप दे दिया, तुमने कफ सिरप ले लिया, तुम भाग गए बिना पैसे दिए, क्या एग्रीमेंट है? तुमने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, खत्म बात। तुमने ऑफर दिया कफ सिरप चाहिए, उसने एक्सेप्ट किया, कफ सिरप दिया, तुमने लिया, तुम भाग गए, तुमने तो बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। हाँ? अच्छा कंसिडरेशन भी चाहिए। ओके, तुम गए मेडिकल शॉप में, तुमने उसको बोला कि मेरे को कफ सिरप चाहिए, वो बोले बदले में क्या मिलेगा? तुम बोले मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। कंसिडरेशन है ना? तो उसने कफ सिरप दिया, तुम चले गए आसमान में चांद तारे तोड़ने के लिए। हाँ? कंसिडरेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी चाहिए। मैं मेडिकल शॉप में गया, मैंने बोला मेरे को कफ सिरप चाहिए, वो बोले क्या दोगे? मैंने बोला मेरे पास ना एक टीवी पड़ा हुआ है घर पे जो मैं यूज नहीं करता, एलईडी टीवी है, नया टीवी है, गलती से खरीद लिया, मेरे को 20 रुपए का कफ सिरप दो, मैं तुमको 40,000 रुपए का टीवी देता हूं। वो मेरे को कफ सिरप देगा नहीं देगा? और 40,000 का टीवी लेगा नहीं लेगा? कहां गया मनी? मनी तो है ही नहीं। सर आप ऐसा करोगे तो क्या जवाब देंगे हम? हाँ? करो करो, गलत आंसर। मैंने क्या बोला? रूल नंबर 3, मिस्टेक्स करनी है, डरना नहीं, बिंदास बोलो,
इसी से तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एटलीस्ट चार चीजें तो क्लियर हो गई जो हम क्रॉस कर रहे हैं, एटलीस्ट चार चीजें तो क्लियर हुई ना अपनी। बोलो फिर और बताओ मेरे को, फिर क्या है एग्रीमेंट जो पेपर पर होता है? मैंने झाड़ का पत्ता तोड़ा, ठीक है, उसके ऊपर पूरा एग्रीमेंट लिखा, पीपल का पान, बट उसके ऊपर लव लेटर लिखते हैं लोग, हम तो चलो एग्रीमेंट लिख रहे हैं, पीपल का पत्ता तोड़ा उसके ऊपर पूरा लिखा, नीचे साइन किया, गवर्नमेंट के पास लेके गया, फ्रैंकिंग करवा लिया। स्टैम्प पेपर नहीं है पर फ्रैंकिंग तो चलता है, गवर्नमेंट ने कर भी दिया, गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी चाहिए ही चाहिए, फ्रैंकिंग पे भी तो स्टैम्प ड्यूटी पे करता हूं मैं उतना ही। पीपल के पत्ते के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अच्छा दूसरा तुम बोल रहे हो पेपर पे चाहिए, मैंने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया, डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करवा लिया, तो कहां गया पेपर? बोलो बोलो और बोलो, आज तो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है ये समझते हैं पहले, फिर समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? अगे चलो लॉ तो चलो ठीक है हमको पता है, एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। तो अगर मैंने ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने ड्रग्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट, इट शुड बी लीगल। नहीं चलो अच्छी बात है, यहां तक भी सोचे सब लड़कों ने मिलके, लड़कियों ने कुछ नहीं सोचे, लड़के सिर्फ हंसते रहे, डन। सो बोला करो जरा सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, हाय हाउ आर यू, अंडमान निकोबार में बैठा है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। नाउ व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। बात एकदम तुम्हारी सही है पर इसको एक स्पेसिफिक लॉजिक और एब्सोल्यूटनेस में देखना जरूरी है। समझो तुम मेडिकल शॉप में गए, तुमने बोला मेरे को कफ सिरप चाहिए, व्हाट यू डिड, यू गिव हिम द ऑफर, हे मां शक्ति, हे मां, अरे मां तो चल ही नहीं रहा, अरे वाह चाइना नहीं है निकम्मे, इसी लैपटॉप पे पढ़ना है पूरा क्लास, चाइना मत बोल। इंक खत्म हो गई, अच्छा चलो आ जाओ कोई बात नहीं, ध्यान देना। तो जरा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, तुम मेडिकल शॉप पे गए, तुमने दिया ऑफर, ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, इधर आ जाओ सागया, ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना, खड़े रहो। मैं समझो इसको पेन बेच रहा हूं, पेन दिख रहा है हेमा शक्ति वाला पेन, ठीक है, या मैं इसको उंदीर बेच रहा हूं, माउस, ठीक है, उंदीर संभालेगा, हाँ। सो मैंने इसको बोला मैं तुमको उंदीर बेचना चाहता हूं, मैंने दिया ऑफर, बोलो हाँ, हाँ ये लो, हो गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, तो मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस शुड बी एग्रीमेंट ना, मैं फ्री में दूंगा नहीं, वापस दो, हाँ ये उंदीर में बेचना चाहता हूं 700 रुपए में, 700 में खरीदोगे पूरा? नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगा है, कितने में चाहिए? 250 ये पक्का लक्ष्मी रोड जाता होगा या तो इसी बाजार निगोशिएशन वाले एरिया में पक्का जाता होगा, ये सस्ता 250 में नहीं होगा भाई, मैं मैक्सिमम तुमको 600 में दे पाऊंगा, हाँ और कम, कितना? 500 में, चलो डील,
कि 500 में मैं अभी इसको उंदीर दे रहा हूं। तो देखो पहली बार जब मैंने उसको दिया तो ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, पर इससे एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब उसने मेरे को बोला कि मैं 500 दूंगा, 500 निकालो मैं देता हूं, डोंट वरी, वापस देना नहीं तो लेके भाग जाओगे, ये पहले जेब में रखो, ये अपन कट करेंगे हाँ वीडियो से। हाँ अब 500 रुपए दो अब, अच्छा माउस, हाँ सॉरी, सो पहले मैंने माउस दिया ठीक है, अब 500 रुपए दोनों लेके भाग मत जाना। हाँ तो अब इसने मेरे को 500 रुपए दिया, देखो एक ऑफर, उसने माउस लिया एक्सेप्टेंस, उसने मेरे को 500 दिया ऑफर और मैंने 500 एक्सेप्ट किया एक्सेप्टेंस। तो ये बात याद रखना, हर एग्रीमेंट में दो ऑफर और दो एक्सेप्टेंस होते हैं। समझो इसके 500 का इसने मेरे को ऑफर ही नहीं दिया, मैंने इसको सिर्फ माउस को ऑफर दिया और उसने माउस एक्सेप्ट कर लिया, तो एक ऑफर निकला एक्सेप्टेंस निकला, बदले में कुछ आया क्या? तो बदले के लिए भी तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। समझो इसने मेरे को पहली बार क्या किया, मैंने बोला इसको 700, इसने मेरे को क्या बोला 250, तो इसने मेरे को 250 का ऑफर, देखो मेरा ऑफर तो कंफर्म था कि मैं माउस बेचना चाहता हूं ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया सर बेचो मेरे को, लेकिन उसने मेरे को क्या बोला 250, उसका 250 वाला ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया क्या? नहीं, मतलब मेरा ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया पर उसका ऑफर रिजेक्ट हुआ, तो नहीं एग्रीमेंट। फिर मैंने बोला 600, उसने मेरा ऑफर वापस रिजेक्ट कर दिया, पर मैंने जब 600 बोला मैंने उसको पूछा 600 चलेगा क्या, फिर वो बोले 600, फिर मैंने बोला ओके, तो बात अलग है, लेकिन उसने मेरे को क्या बोला 500, मतलब उसने ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस और एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस और फिर ये बन जाएगा एग्रीमेंट। मैं जब ऑफर दे रहा हूं मैं प्रॉमिस और, मैं जब ऑफर दे रहा हूं मैं प्रॉमिस और, ये जब ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है ये प्रॉमिस ही, लेकिन ये जब मेरे को 500 रुपए का ऑफर दे रहा है ये क्या हो गया प्रॉमिस और, और मैं जब ऑफर 500 रुपए का एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं क्या हो रहा हूं प्रॉमिस ही। तो एक बात याद रखना, हर कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑफर दो एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस और प्रॉमिस ही का पोजीशन भी चेंज होगा, जब मेरा ऑफर है मैं प्रॉमिसर, जब उसका ऑफर है वो प्रॉमिस और। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है पक्का? थैंक यू सो मच सागर, ठीक है अब आइडिया समझ में आया मैं क्या कहा। तो ये तुमको कोई बताएगा नहीं, मैं पहली बात आपको वापस से समझा रहा हूं, ये तुमको कोई बताएगा नहीं पर ये समझना जरूरी है, देयर इज ऑफर वन ठीक है प्लस एक्सेप्टेंस वन, ऑफर वन प्लस एक्सेप्टेंस वन, ये हुआ माउस का, ये काय का ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ माउस का, मैं माउस देना चाहता हूं वो माउस लेना चाहता है, ये एक हुआ। फिर मैंने उसको क्या बोला कितना पैसा देगा, कितना पैसा देगा, तो उसने मेरे को कितने रुपए बोले 250, मैंने रिजेक्ट कर दिया, फिर मैंने 600 बोले, उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर वो क्या बोले 500, मतलब उसने दिया ऑफर टू और मैंने उसको एक्सेप्ट किया एक्सेप्टेंस टू। ये काय का है मनी, ये काय का है मनी, ये काय का है माउस। आइडिया क्लियर है, जब ये दोनों मिले, जब ये दोनों मिले तब आपका क्या बन रहा है एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आया, अब मैं इसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े अच्छे से समझना। मेरे लिए मनी कंसिडरेशन है, उसके लिए माउस कंसिडरेशन है, कंसेप्ट समझ में आया। तो इसमें से कोई भी एक चीज कंसिडरेशन होना जरूरी है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर। नो प्लस इसके साथ में एक और चीज होना जरूरी है, लीगल। क्या होना जरूरी है? लीगल। जब एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस से मिलता है, मैं माउस देना चाहता हूं तू लेना चाहता है बोले हां, जब एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस से मिलता है वो बनता है प्रॉमिस, सो प्रॉमिस वन। जब दूसरा ऑफर दूसरे एक्सेप्टेंस से मिलता है वो बोलेगा मैं 500 रुपए देना चाहता हूं, मैंने बोला हां ये उसका प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस था माउस देना, उसका प्रॉमिस है 500 रुपए देना, ये हो गया प्रॉमिस टू। जब प्रॉमिस वन प्रॉमिस टू से मिले और साथ में ये लीगल हो, साथ में ये क्या हो लीगल हो, तो जाके आपका बनता है कॉन्ट्रैक्ट। आइडिया क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार सुनो। अब लीगैलिटी किस किस बात की चाहिए? लीगैलिटी बच्चों दो टाइप की लीगैलिटी हमको एग्जिस्टिंग चाहिए, एक तो कंसिडरेशन लीगल चाहिए। क्या लीगल चाहिए? कंसिडरेशन। जैसे मैंने सागा को माउस दिया, सागा ने जेब में से एक छोटी सी पुड़ी निकाली गंजे की,
सर मार बाबा जी की बूटी, एकदम सर स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अब मुझे बताओ कंसिडरेशन लीगल है क्या, या फिर ये माउस को मैंने तोड़ फोड़ के ऐसे खुला करके ऐसे इसके अंदर गांजा भरा, स्मगलिंग करते हैं ना लोग, गांजा वांजा भरा, और मैंने सागर को बोला दिखता ये माउस है पर हाथी से कम नहीं है, पी के देख हाथी जैसा फील होगा, बोलो हाँ है ना। तो क्या ये कंसिडरेशन लीगल है, जोर से बोलो क्या ये लीगल है, नहीं। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, जोर से बोलो क्या होना चाहिए, और दूसरी चीज साथ में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। मैंने सागर को ये माउस दिया पर माउस में आरडीएक्स छुपाया था, क्या छुपाया था, आरडीएक्स। अगर इतना आरडीएक्स यहां पे फोड़ देना तो तुम सब सीवियरली डैमेज हो जाओगे, इतने कि एक दो मर भी सकते हैं, खास करके मैं तो नजदीक हूं, हाँ है ना। तो अगर मैंने सागर को आरडीएक्स दिया और मेन ऑब्जेक्ट मैंने उससे 500 रुपए लिया, मैं बोला फोड़ देना दिवाली, ठीक है। तो कंसिडरेशन लीगल हो सकता है, ऑब्जेक्ट इलीगल। समझो मैंने साग्या को चाकू बेचा, ठीक है, इसलिए बेचा मर्डर करना है देखो इसलिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इलीगल। कंसिडरेशन लीगल हो और ऑब्जेक्ट लीगल हो तो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट लीगल हो कंसिडरेशन लीगल हो, ऑब्जेक्ट लीगल हो कंसिडरेशन इलीगल हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो हमें कंसिडरेशन भी लीगल चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लीगल चाहिए, दोनों में से एक भी इलीगल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट गया। कंसेप्ट समझ में आया पक्का, एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर विद दिस। सो एक बार वापस बोलो, ऑफर वन प्लस एक्सेप्टेंस वन प्लस ऑफर टू प्लस एक्सेप्टेंस टू प्लस लीगल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप मुझे पूछो सर एग्रीमेंट मतलब क्या, तो मैं बोलूंगा भैया एग्रीमेंट के लिए लीगल तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जहां ऑफर वन एक्सेप्टेंस वन ऑफर टू एक्सेप्टेंस टू आ गया वो बन गया एग्रीमेंट। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है इलीगल भी हो सकता है। आइडिया क्लियर है, मैंने उसको ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट किया, उसने मेरे को ड्रग्स बेच, एग्रीमेंट हो गया, गेम ओवर। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो। तो लीगल होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, लीगल। सर ये लीगल के ऊपर इतना फोर्स क्यों दे रहे हो आप, आपको प्यार हो गया है सर लीगल से, लीगल के ऊपर इतना फोर्स देने का मकसद यह है बेटा, वर्ड का बहुत है सुनना, लीगल वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इमेजिन बहुत अच्छे सुनना, मैंने सागर को ड्रग्स बेचा, सागर ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए, मैंने गांजा बेचा था, सागर ने 5 लाख दिए, घर जाके पता चला सागर को हे तो वायले लग गवत है, ये तो घास है, इसमें कहीं गांजा नहीं है, उसने फूक के भी देखा, अरे इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, सर बोले स्वर्ग में पहुंचेंगे, यहां तो मैं गड्ढे में गिर रहा हूं। अब साग्या को मैंने जाली ड्रग्स बेचे, साग्या कोर्ट में जाके केस कर सकता है क्या, दर्शन सर ने जाली ड्रग्स बेचे, पुलिस के पास एफआईआर, दर्शन सर सेल्ड मी द बैड ड्रग्स, कैन यू डू द एफआईआर। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब यू कैन नॉट एनफोर्स इट इन कोर्ट ऑफ लॉ, कंसेप्ट समझ में, आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एनफोर्स कर सकते हो क्या, नहीं, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन वही अगर मैंने साग्या को मेडिसिन बेचा, माउस बेचा, और सागर ने मेरे को पैसा दिया, बाद में माउस चला नहीं, तो सागर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स कर सकता है क्या, या तो लीगल वर्ड का मीनिंग क्या है, इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट इंप्लीमेंट कर सकता है हम उसको लीगल कहते हैं। आइडिया क्लियर है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। तो जब आप एग्रीमेंट को देखो क्या बोला जाता है, मैं क्या कह रहा हूं बड़े अच्छे सुनना, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, when an agreement is enforceable by law, when an agreement is enforceable by law, when an, बोलो आज, नहीं तो मैं दिन भर करता रहूंगा ऐसा, when an is enforceable by law, then it will be called as contract. अब क्लियर हुआ exactly क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो यस सर नो, यहां तक आइडिया क्लियर है, नहीं आया, नहीं आया,
आ ही नहीं सकता, मैंने अभी तक खत्म ही नहीं किया, और चीज बाकी है। पूछो क्या, जोर से पूछो क्या? सर क्या बोलना चाहते हो सर? नहीं ऐसे नहीं, अच्छा ये बिल्ली ने पूछा हुआ लगा मेरे को। सो पूछो क्या सर? इट शुड बी पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग, इट शुड बी पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग। पुराने मूवीज देखे, हीरो हीरोइन के लिए क्या हीरो हीरोइन को बोलता था आई लव यू, हीरोइन बोलती थी आई लव यू टू, फिर हीरो बोलता था तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, नहीं वो हीरोइन नहीं बोलती थी चांद तारे, हीरोइन का को चांद तारे तोड़ने जाएगी, हीरोइन बोलती थी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, ठीक है। वो फिर हीरो को पूछते थे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो हीरो बोलता था मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। समझो ऐसा हीरो ने बोला और हीरोइन ने स्टैम्प पेपर निकाला, चांद तारे तोड़ के लाएगा पक्का, लिख इसके ऊपर ठीक है, साइन कर दैट आई विल ब्रेक द स्टार्स एंड ब्रिंग इट फॉर यू, यस और नो? तो लिख इसके ऊपर और नीचे दोनों ने साइन किया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? जोर से बोलो नहीं। बोलो हाँ है ना। तो बेसिक एक चीज और जरूरी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कंसिडरेशन भी पॉसिबल होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी पॉसिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी। कंसिडरेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? मैं माउस दे रहा हूं, मुझे पैसा मिल रहा है, माउस भी पॉसिबल है, पैसा भी पॉसिबल है। आइडिया क्लियर है? मैंने बोला कि अगर साग्या मुझे 2,00,000 रुपए देगा तो साग्या के शादी में अपन राजपाल यादव को डांस करने लगाएंगे। किसको? राजपाल यादव को क्या करने लगाएंगे? डांस। समझो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, पर बेचारा राजपाल यादव का एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसा ना हो तो राजपाल यादव डांस कर पाएगा? अब मेरे को पता था कि राजपाल यादव का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को पता था कि राजपाल यादव डांस नहीं कर सकता, और फिर भी अगर मैं सागर से 2,00,000 रुपए ले रहा हूं और बोल रहा हूं तेरी शादी में राजपाल यादव डांस करेगा, तो क्या कंसिडरेशन पॉसिबल है? जोर से बोलो क्या पॉसिबल है? तो कंसिडरेशन इंपॉसिबल हो गया। ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल होना चाहिए। क्या पॉसिबल होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, आहा। आजकल के डेट में डायलॉग मार के देखो लड़की को, लड़की चांद तारे वही दिखा देगी। अरे बोलो ना, आया लड़के को बोला आई लव यू, बोलेगी क्या कर सकते हो? चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, पहले मैंने ही ला दिए, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एकदम जबरदस्त होना चाहिए, सही वाला होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। जैसे लड़की ने पूछा मेरे लिए क्या कर सकते हो, बोलना मैं तेरे को डायमंड की रिंग गिफ्ट करूंगा, पॉसिबल है? नहीं, फिलहाल अपनी फकीरियत के हालत से तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन वैसे तो पॉसिबल है। सीए बनेंगे तो ला तो सकते ना, डायमंड की रिंग नहीं ला सकते सीए बनने का, अपन तो पूरा कोहिनूर ला ले। हाँ क्या? हाँ, कोहिनूर नहीं मिलता, ठीक इतने सेंटीमेंट हो कोई बात नहीं। सो बेसिकली अगर हम देखा लगे है, हाँ सर कोहिनूर, अभी तक पता नहीं लड़की का जिंदगी में कहा है लोग कोहिनूर पे पहुंच गए, वाह। सो बेसिकली जब हमको बोला जाएगा लड़की क्या कर सकते हो, डायमंड रिंग दे सकता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिक। सो कंसिडरेशन भी पॉसिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है पक्का? एवरीबडी इज वेरी क्लियर? बोलो पक्का समझ में आया? तो ये चीजों को लिख लो, ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरी बॉडी लीव लगा डन पक्का। सो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो मेरे को ये सुनो। अब ये जो मैंने लिखा है ना, इस पर से अपन डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है? सबसे पहला डेफिनेशन, ये जो ओ दिख रहा है ऑफर, बोलो ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो ऑफर का जो डेफिनेशन है वो लिखा है टू सबसेक्शन ए में ऑफर, ठीक है? और एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन दिया है टू सबसेक्शन बी में एक्सेप्टेंस। सर कैसे याद करेंगे सेक्शन नंबर? हम जब किसी को ऑफर देते हैं हम क्या बोलते हैं? ए सुन, ए सुन, सो ए ऑफर, बोलो ए, जोर से बोलो ए। फिर तुमने जिसको बोला ए सुन वो क्या बोलता है? बोल तो बी बोल, मतलब एक्सेप्टेंस, ये सुन ना, तो बोलो ए ऑफर, बोल एक्सेप्टेंस, एक बार वापस ए ऑफर, बोल एक्सेप्टेंस। फिर दो लोग होते हैं, एक प्रॉमिसोर और एक प्रॉमी टू सी, प्रॉमिसोर प्रॉमी ए ऑफर, बी बोल एक्सेप्टेंस, बी फॉर बोल एक्सेप्टेंस बोलना। सो ए ऑफर, बी बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिसोर प्रॉमी, सी फिर डी टू डी कंसी दर्शन, कंसी दर्शन, बोलो कंसी दर्शन, अरे हाँ है ना, सो कंसी दर्शन, ये डी फॉर दर्शन, ये सुनो, सो कंसी, सो ए ऑफर, बी बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिस और प्रॉमिसी, डी कंसी दर्शन। आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ है ना। फिर टू ई एग्री, टू ई एग्री, जोर से बोलो टू ई एग्री, प्रॉमिसी एग्रीमेंट। आइडिया क्लियर है? सो एक बार वापस है, ए ऑफर, बी बोल बोल बोलो बोल बोलो बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिस और प्रॉमिसी, डी कंसी दर्शन, ई एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस और नो? सो पहले इन डेफिनेशंस को निपटाते, आ जाओ ए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा सिग्निफाई करता है दूसरे को हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? निखिल सा गया, दोनों आ जाओ। सर हम इधर ही रह जाते हैं। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ये दोनों कॉम्पिटिटर लोग हैं और ये दुनिया का आखिरी माउस बचा हुआ है, दुनिया का, इसके बाद कोई माउस बनने वाला नहीं है। अब ये माउस चाहिए था दोनों को, ठीक है? ये माउस चाहिए था दो, सागर मेरा भाई था तो मैंने सोचा सागर को मैं माउस बेच दूंगा, तो मैंने बोला मैं सागर को माउस बेचना चाहता हूं। जब ये निखिल को पता चला, निखिल मेरे पास आया, सर माउस की कीमत बोलो मैं देने के लिए रेडी हूं, ब्लैंक चेक लेके खड़ा हो गया, ब्लैंक चेक खालो ऐसे करो हाथ नहीं लिखो ब्लैंक, हाँ ब्लैंक चेक लेके खड़ा हो गया। सर बोले तुम बोलो मैं जो पैसा चाहिए देने के लिए, आखिरी माउस है दुनिया का। मैं बोला देख भाई सागर मेरा दोस्त है, सागर मेरा भाई है, मेरे को उसको माउस बेचना है, ये पैसे वैसे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे से मेरे को फर्क नहीं पड़ा। निखिल बोले सर प्लीज मेरे को बेच दो, तुम जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा। पैसे वैसे की कमी है, इज्जत क्या इज्जत? बोला भाई को धोखा दूंगा, इज्जत क्या रहेगी मेरी? इज्जत इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। निखिल मेरे को बोलता है सर फिर एक काम करो ना, तुम मेरे को माउस नहीं बेच रहे ना,
सागा को भी मत बेचो। तुम मेरे को माउस नहीं बेच रहे, सागा को मत बेचो, तुम जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर थे, अगर मैं सागा को माउस बेच दिया जल्दी फास्ट काम करेगा, ये फास्ट काम करेगा तो निखिल से आगे निकल जाएगा। तो निखिल मेरे को बोला सर मेरे को माउस नहीं चाहिए, पर सागा को भी मत बेचो, ये सर ब्लैंक चेक जितना पैसा लिखना है लिख लो, डबल इज्जत, भाईशिप भी निभा ली, निखिल से मैंने पैसा भी ले लिया और उसके साथ भी थोड़ा सा फ्रेंडशिप बन गया, है ना, डबल इज्जत। सो अगर मैं निखिल को माउस बेचता हूं आई प्रॉमिस टू डू समथिंग, लेकिन अगर मैं सागा की ऑफर एक्सेप्ट करता हूं आई एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मतलब निखिल को माउस बेचने से मैं रुक गया, मैंने इसको ऑफर दिया, मैंने बोला चल तू अगर मेरे को 1 करोड़ देगा ना ये माउस मैं निखिल को बेचेगा ही नहीं, ये मैं माउस सागा को बेचेगा ही नहीं, मैं इसको माउस नहीं बेचेगा अगर मेरे को 1 करोड़ देगा, तो आई हैव गिवन हिम ऑफर कि 1 करोड़ दे, आई विल नॉट डू एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। आइडिया क्लियर है? लेकिन मैंने ये बोला ये ले भाई माउस, दे इज डूइंग, लेकिन मैंने बोला माउस नहीं दूंगा 1 करोड़ दे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। आइडिया क्लियर है? डिफिनेशन खत्म करनी है, 1 मिनट के लिए रुको। हाँ, सो ही इज विलिंग टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दूसरा, विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एब्सेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू एक्ट और एब्सटेन इज सेड टू बी प्रपोजल। जब मैंने बोला मैं माउस बेचना चाहता हूं, इट इज डूइंग, और जब मैं बोल रहा हूं कि मैं माउस नहीं बेचूंगा सागा को 1 करोड़ दे, आई एम एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, मैंने अगर ऐसा ऑफर किया, ये माउस है लेना है तो ले, नहीं तो भाग यहां से, क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? मेरे को इंटेंशन भी दिखाना पड़ेगा। मैंने ऐसा बोले नहीं तो ले, नहीं तो जा यहां से, तो ये का ऑफर हो जाएगा? नहीं, मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि बदले में हाँ बोले, बोलो हाँ ठीक है, मैं ऐसे ले प्लीज ले ले आज के दिन, समझ में आ रहा है सबको? दिस इज ऑफर, क्लियर है? या तो फिर मैं नहीं बेचूंगा, बिल्कुल नहीं बेचूंगा, कसम से नहीं बेचूंगा इसको तो बिल्कुल नहीं, या आखिरी आदमी रहा तो भी नहीं बेचूंगा, ठीक है, दिस इज ऑफर, क्लियर है? लेना है तो ले, नहीं तो तू तेरा देख, इज नॉट ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? एब्सटेन क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो एक तो मैं माउस बेच रहा हूं या बेचने से मना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मना, उसके लिए भी कंसिडरेशन मिल सकता है। आइडिया क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, पूना के दो सबसे बड़े स्वीट मार्ट वाले कौन है? काका हलवाई और चित्तल है, बोले सुन, मैं समझो चित्तल है, ये समझो काका हलवाई, क्लियर है कंसेप्ट? मैं मेरा बिजनेस एक्सपांड कर रहा था, ये भी इसका बिजनेस एक्सपांड कर रहा था, अब मैंने पेट एरिया, कोथरूड, करवे नगर सब एरिया कैप्चर कर लिया, जो पूना के सेंट्रल एरियाज है, मैंने उन सब सेंट्रल एरियाज को कैप्चर कर लिया, ये भाई औंध, निगड़ी, पाषाण, बानेर, ये सब एरिया इसने कैप्चर कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है? सर तुम तुम्हारा बिजनेस देखो, मैं मेरा बिजनेस देखूंगा, तुम मेरी एरिया में कुछ नहीं बेचोगे, मैं तुम्हारी एरिया में कुछ नहीं बेचूंगा। मैं बोला मैं तेरी एरिया में चल नहीं बेचूंगा, मेरे को 2 करोड़ रुपए दे, एग्रीमेंट हो सकता है क्या? ना करने का भी एग्रीमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है क्या? क्योंकि दिस इज ऑल्सो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो, कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच, बैठो। सो हमारा प्रपोजल का डेफिनेशन क्या है? सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे, रेडी? सब जन साथ साथ में, 1 2 3 बोलो, क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view, देखो ये जरूरी है, करना है तो करनी, तो भगनी, सो विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, मेरा इंटेंशन होना चाहिए भाई हाँ बोल, मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए? हाँ बोल। ऐसा अगर किसी हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया, आई लव यू जतेल्ले ने, तो ये प्रपोजल माना जाएगा क्या? ऐसे प्रपोजल ऐसे घुटने पे बैठ के, हाथ में रेड रोज लिए, पीछे वायलिन बज रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ना? हाँ, है ना, कि बदले में हाँ आए करके, अरे बोलो ये सर ना। सो विथ असेंट, ऑब्टेनिंग द असेंट दैट द अदर टू सच एक्ट और एब्सेंट, मतलब जो मैं ऑफर कर रहा हूं या जो मैं करने से मना कर रहा हूं, दोनों चीजों के लिए उसने हाँ बोलना चाहिए। आइडिया क्लियर है? देन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यहां तक आइडिया क्लियर है? मतलब ऑफर, ये काय का डेफिनेशन है? ऑफर, ए ऑफर, क्लियर है? एक बार बुक ओपन करो, पढ़ो अच्छे से, कुछ वर्ड्स मार्क कर रहा हूं, वो वर्ड्स याद रखना कंपल्सरीली।
अब डेफिनेशन अगर पूछी तो कैसे लिख सकते हैं, दो सब पॉइंट्स है डेफिनेशन में। पहला लाइन सिंपल है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। पॉइंट नंबर ए में हम क्या लिखेंगे कि भाई क्या करना चाहता है या क्या नहीं करना चाहता, और पॉइंट बी में क्या लिखेंगे, ऑप्टेन असेंट ऑन क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। एक बार मेरे पीछे बोलो, पॉइंट ए में क्या लिखेंगे, क्या करना चाहता है, विलिंग टू डू, एंड क्या करना नहीं चाहता, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड पॉइंट बी में क्या लिखेंगे, टू ऑप्टेन असेंट, टू ऑप्टेन असेंट ऑन सच अ विलिंगनेस और एब्सटेन। आइडिया क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा, अब ये हो गया पहला वाला डेफिनेशन, डेफिनेशन दूसरा टू बी, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मैंने असेंट मांगा था और उसने दे दिया, प्यार मांगा है तुम्ही से, अरे बोलो ना, हाँ है ना, और सामने वाले ने हाँ बोल दिया, असेंट दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस। क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड क्या बन जाता है, प्रॉमिस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। देखो प्रपोजल जो है ना बारूद है, प्रपोजल क्या है, बारूद पता है ना, बचपन में जो फटाका फुट्टा नहीं था तुम उसको छीलते थे, बारूद निकालते, ये भी जाया नहीं जाना चाहिए भैया, वो तो हम हर एक टिकली की कीमत होती थी बचपन में दिवाली में, है ना, कि टिकली ली दीवार पे खचाक फटाका वो तो दिवाली शुरू होने के पहले 15 दिन से फोड़ना, जिस दिन दिवाली की छुट्टियां लगी वहां से टिकलियां फोड़ना शुरू है। तो एक फटाका समझो, ऐसे तुमने फोड़ने की कोशिश की, नहीं फूटा, तो जो फटाका नहीं फूटा, हाँ ऐसे कैसे नहीं फूटा, इज्जत इज्जत कर। तो हम फटाका लेते थे, उसको चीरते थे, पूरा बारूद निकालते थे और उसको अलग से जलाते थे, बोलो आया ना, यस और नो। तो बारूद जो ऑफर क्या है, बारूद, जब तुम उस बारूद को आग लगाओगे, मैचस्टिक, आग पेटी, ये सुनो, जब तुम बारूद को आग लगाओगे तो ये मैचस्टिक जो है ना वो एक्सेप्टेंस है, बारूद, मैचस्टिक लगा, प्रॉमिस। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ है ना, बारूद, ऑफर, एक्सेप्टेंस, मैचस्टिक, जलानी पड़ेगी ना, प्रॉमिस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। जहां ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया वहां प्रॉमिस बन जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, लेकिन ओरली नहीं, राइटिंग में, ठीक है, मैचस्टिक ओरली नहीं, कैसा, राइटिंग में। सो व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर दिया उसी ने एक्सेप्टेंस देना चाहेंगे, अरे बोलो हाँ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जितने चाहे उतनी बार मैं प्यार जताऊंगा, बोलो इरशाद, अरे जोर से बोलो इरशाद, जितनी चाहे उतनी बार प्यार मैं जताऊंगा, तू पटती है तो पट वरना तेरी सहेली को पटाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको ऑफर दिया है, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी लड़की को, सागे एक दिन लड़की को प्रपोज करने के लिए गया, लड़की साथ में फ्रेंड को लेके आई, ठीक है, सागे ने लड़के को प्रपोज किया, आई लव यू, लड़की बोले हट, इसने इमीडिएट टर्न हो गया, आप तो एक्सेप्ट कर लो। तो प्रपोजल किसी एक को, समझो सागे ने लड़की को प्रपोज किया, अनसाइड वाली बोली हाँ हाँ हाँ, क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अरे जोर से बोलो नहीं। तो जिसको तुमने प्रपोजल दिया उसी ने एक्सेप्टेंस देना चाहिए, तो प्रॉमिस बनता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। आप बारूद को जली हुई लकड़ी लगाओगे तो काम का है, बुझी लकड़ी लगाओगे तो काम का है क्या, लोहे का रॉड लगाओगे काम का है क्या, तांबे का रॉड लगाओगे, सोने का रॉड लगाओगे काम का है क्या, अरे पसंद आ गई अगर ये तो वो क्या चीज है, बोलो हाँ है ना,
तो इस प्रपोजल जिसको दिया उसी ने क्या देना चाहिए, एक्सेप्टेंस, तभी प्रॉमिस होगा। सोने की रॉड से बारूद नहीं चलता, भले ही रॉड सोने की क्यों ना हो, हमको तो लकड़ी ही चाहिए, वो भी मैचस्टिक वाली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले सर। नो नीचे, सो टू बी क्या है डेफिनेशन, एक बार सब जन पढ़ो। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट। ये एसेंट कहां से आया, क्योंकि पहले केस में मांगा था ना, प्यार मांगा है। बोलो कंप्लीट करो गाना, कंप्लीट गाना नहीं सुनते हो क्या, ये गाना नहीं सुना है क्या आगे? हाँ, सो व्हेन प्रपोजल किया आपने, एसेंट मांगा था, फिर एसेंट आ गया, लेकिन जिससे मांगा उसी से आया, ठीक है, बलती जगह से नहीं आया। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? मार्किंग कर लो चलो फटाफट, और उसके साइड में मेक नोट्स के लिए जगह छोड़ी है ना मैंने, वहां लिखो ऑफर इज गन पाउडर। गन पाउडर मतलब बारूद, ऑफर इज अ गन पाउडर। एंड एक्सेप्टेंस इज अ मैच स्टिक, एंड एक्सेप्टेंस इज अ मैच स्टिक। When they come together, when they come together, creates a promise, creates a promise. Creates a promise. अच्छा, जो promise, जो proposal करता है उसको क्या कहते हैं, promisor और promisee? Promisor, promi, जोर से बोलो। और जो proposal accept करता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉमिसी। कंसेप्ट समझ में आया? सो यहां प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। टू सी, एक बार मुझे सभी डेफिनेशन के सेक्शन बोलो। टू ए, ए ऑफर, बी बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिसर प्रॉमिसी, डी कंसीड दर्शन, आया ना, ई एग्रीमेंट। यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? सो प्रॉमिसर प्रॉमिसी हो गया, इजी है। द पर्सन हु मेक अ प्रपोजल इज प्रॉमिसर, पर्सन हु एक्सेप्ट अ प्रपोजल इज अ प्रॉमिसी। फिर आता है भैया वो कंसी। डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हमने ऑफर बहुत अच्छे से देखा है, एक्ट और एब्स्टेन ऑफर होता है। तो एक बार पढ़ के देखो मन में, समझ में आता है क्या? तीन टेंसेस लगाए उन्होंने, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचरे। तीन टेंसेस समझ में आ रहे हैं ना? देखो पहला, वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। यह हुआ आपका पास्ट। डन मतलब कर दिया ना, या करने से मना कर दिया, एक तो कर दिया या करने से मना कर दिया, या डज और प्रोमिसेस और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, ये हुआ प्रेजेंट, कि कर रहा है या करने से मना कर रहा है, डज और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, एंड प्रोमिसेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, करेगा या करने से मना करेगा, फुटूरे। ये कौन सा टेंस हुआ, फुटूरे हुआ ना, अरे बोलो आया ना। सो पास्ट डन, और सिंपल है डेफिनेशन याद करना, व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, दैट इज कौन बोले एक बार, प्रॉमिसी, और एनी अदर हर पर्सन हैज डन और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग। दूसरा सेंटेंस तो कॉमन है, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, सो डन एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, डज एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू एब्सेंट फ्रॉम डूइंग। आइडिया क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में समथिंग, देन सच अ एक्ट और एब्सेंट और प्रॉमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, एक बार बोल के देखो, बिना बोले समझ में नहीं आएगा। बोलो क्या है, व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, दैट इज प्रॉमिसी, हैज डन और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, डज और, सब जन बोलो ऊपर देख के, डज और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिसेस टू डू
or abstain from doing something, then such a act or abstain is called as consideration. Idea clear hai main kya keh raha hu? Zor se bolo yes or no. Ye hai consideration, definition number chautha. Definition number kaun sa? Fourth one. अब मैं क्या कहूंगा, हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं. ये चारों जो डेफिनेशन है ये आपको आज याद करके होमवर्क में लिख के लाने हैं. डेफिनेशन जैसे के वैसे आने चाहिए चारों के चारों. ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और प्रॉमिस ही तो बहुत इजी है, और कंसिडरेशन. लेकिन याद करके कल मैं आने के बाद चेक करूंगा, मेरे को किसी ने कॉपी वॉपी किया हुआ दिखा समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना. तो चार डेफिनेशन में कल देखूंगा, जिसने कॉपी किया उसको मैं खड़ा कर दूंगा, और जिसने होमवर्क नहीं भी किया उसको भी मैं खड़ा कर दूंगा. सर क्या अभी हम बड़े हो गए, अरे क्लास में खड़े रहेंगे? मेरे क्लास में तो सीए फाइनल के बच्चे भी खड़े रहते हैं, वो भी ढाई तीन घंटे. शुक्र करो तुम्हारी क्लास डेढ़ घंटे की है. समझ में आ रहा है? तो पढ़ना तो पड़ेगा. मेरे क्लास का एक ही रूल है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पड़ेगा वो खड़ा रहेगा. सिंपल एज दैट. क्लास में रह सकते हो लेकिन खड़ा रहना पड़ेगा. तो मेरे को कल चारों डेफिनेशन याद करके लिखे होनी चाहिए. और कैसा, 9 साल से पढ़ा रहा हूं ना, तो एक्सपीरियंस है कि भाई कॉपी कैसे किया जाता है, याद करके कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज समझ में आती है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कल कॉपी करके आना क्या? नहीं, चार डेफिनेशन याद करना, ईमानदारी से लिख के लाना. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर. नो. तो आज हम चार डेफिनेशन कंप्लीट किए, बचे हुए अपन कल देखेंगे. आज के लिए अपन इतना काफी करते हैं. दिस यू ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बोलो जोर से बोलो.